का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, दीपक का ज्योति को, चातक का चंदा को, दीपक का ज्योति को, चातक का चंदा को, गंगा का सागर को अर्पण, साधक जो भी कुछ हमारे पास इस सृष्टि से देता पिता ने दिया है, तो एक एक चीज जितनी जितनी आपके सामर्थ्य में थी आज आपको प्राप्त हुई है, कभी प्राप्त हुई थी उसमें से कुछ छूट गया, कुछ नहीं गया, आगे क्या होना है उसकी विधि व्यवस्था के लिए आपके हाथ पैरों में दम देने रखा है। सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, दीपक
चंदा को दीपक का ज्योति को चातक का चंदा को गंगा का सागर को अर्पण साधक का सविता को अर्पण शिष्यों का गुरु को समर्पण शिष्यों का गुरु को समर्पण शिष्यों का गुरु को समर्पण कि हम लोग सुबह 4 बजे से उठते थे और शाम को 10-11 बजे सोते थे 5 घंटे हम लोग केवल सो पाते थे लेकिन शरीर कभी थका ना ही कभी शरीर ने किसी प्रकार की कोई शिकायत हुई कभी कोई बीमारी हुई 5 दिनों तक हमेशा तरोताज़ा लगे हम और मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहे तो इस शिविर में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली दिव्य बहुत कुछ सीखने को मिला है से गुरु गायत्री के बारे में और गहराई से मेरे को अध्यात्म के बारे में और गहरे से जानने को मिला है और यहाँ जो चिकित्सा हुई स्वास्थ्य के बारे में बहुत बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला बहुत कुछ अच्छा हुआ है अंदर जो बहुत सारी विभूतियाँ दबी हुई थी बहुत सारे जो गुण दबे हुए थे वो उस 5 दिन के साधना सत्र में उभर करके ऊपर आए हैं जैसे कि किसान हल चलाता है और मिट्टी ऊपर आती है और उस वर्ष वह फसल बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है इसी प्रकार हमारे जीवन में भी आज से बदलाव आया है और हम आगे चल करके और ज़्यादा उत्साह के साथ वो मेरे जीवन में मैं 26-28 साल से जुड़ा हूँ और इतनी ऊर्जा और इतना साहस और इतनी हिम्मत इतनी दृढ़ता मिश्रण के गुरु के काम के प्रति जो मेरे को यहाँ अभी 5 रोज में सीखने को मिला मेरा जो कायाकल्प हुआ मैं इससे बहुत अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ और मैं सभी भाई बहनों से समाज के गांव के राष्ट्र के सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि आप सभी को ये शिविर करना चाहिए।